हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज ईट कम फ्रॉम रीड किया था। इसमें हमने फूड की इम्पोर्टेंस और उससे सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। फूड के टू मेन सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स से मिलने वाले फूड को हम रीड कर चुके हैं, अब हम एनिमल्स से मिलने वाले फूड को रीड करेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट के समान एनिमल्स भी हमारे फूड के इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं। वी गेट फूड आइटम्स सच इज मिल्क मीट हनी एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग प्राप्त करते हैं एनिमल्स से फूड आइटम मिल्क हनी एंड एग्स। These are the sources of proteins and fats. ये resources होते हैं proteins और fats के। अब हम इन food को संक्षेप में पढ़ेंगे। Milk and milk products. Milk is regarded as a complete food as it has all the nutrients. Milk को complete food कहते हैं क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। It is obtained from animals. लाइक काउ बफेलो गोट कैमल एक्सेट्रा। यह ऑब्टेन किया जाता है एनिमल से, जैसे काउ बफेलो गोट और कैमल। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एल्डिंग एनिमल्स। इन एनिमल्स को मिल्क एल्डिंग एनिमल्स कहते हैं, यानी दूध देने वाले जानवर। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट को डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, लाइक चीज क्रीम बटर कर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट मीट। मीट रेफर्स टू द मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी पीपल ईट। एनिमल्स बॉडी का मसल्स और जो अदर पार्ट खाए जाते हैं उन्हें उसे मीट कहते हैं। मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट चिकन एक्सेट्रा इज कॉमनली ईटन। गोट और चिकन का मीट अधिकतर खाया जाता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी प्रोड्यूस किया जाता है हनी बीज से, फूलों के रस से। हनी इज अ स्वीट फूड एंड इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। हनी एक स्वीट फूड होता है जिसका उपयोग मेडिसिन्स में किया जाता है। नेक्स्ट एग्स। एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स। एग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक हैन डक्स गूस एक्सेट्रा। पोल्ट्री में इंक्लूड होते हैं पक्षी जैसे हैन डक्स गूस आदि। ओके, अब हम रीड करेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की भोजन की आदतें। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। विभिन्न जानवर का विभिन्न प्रकार की भोजन की आदतें रखते हैं। बेस्ड ऑन दियर फीडिंग हैबिट्स, उनकी फीडिंग हैबिट्स के आधार पर एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। एनिमल्स को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। Herbivores are those animals which eat only plants and plant products. Herbivores वे वाले जानवर होते हैं जो केवल plants और plant products को खाते हैं। For example, cow, horse, sheep, squirrel, etc. are some herbivores. Cow, horse, sheep, squirrel ये कुछ शाकाहारी पशु होते हैं। नेक्स्ट कार्निवोरस यानी मांसाहारी। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेस ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो केवल जानवरों का मांस खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन टाइगर ईगल वल्चर एक्सेट्रा आर सम कार्निवोरस। लॉयन टाइगर ईगल बल्चर ये आदि कुछ मांसाहारी पशु होते हैं। नेक्स्ट ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। ओमनीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी खाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रो, डो, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा आर सम ओमनिवोरस. बियर, क्रो, डॉग, ह्यूमन बींग्स आदि सर्वहारी पशु होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से रीड करिए. ओके, थैंक्स.